सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेगा सुपरसेल। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी लीक को गोल्डन या सिल्वर से लेके क्रिस्टल्स या फिर 27 तक पुश कर सकते हो बहुत ही आसान सा एक ट्रिक अप्लाई करके। तो यार बहुत सारे ट्रिक्स आप अप्लाई करते होगे, तो यार इस ट्रिक्स को भी अप्लाई ज़रूर करो, इससे आपको 99% का फ़ायदा होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा यार, आप नीचे जाके जो अटैक करते हो ना मल्टीप्लेयर बैटल में, आपको उस वाले से अटैक नहीं करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर जब रिवेंज में देख सकते हो उस रिवेंज में आपको जाना है और उसी से आपको अटैक करना है। तो यार और एक बात बता दूँ कि यार आप अपनी जो बेस लेआउट है उसे ऐसा बनाओ कि यार वो ज़्यादा डिफेंड करे या ना करे ये मायने ना रखे कि यार वो डराए सबको। यार कोई भी छोटे वाले बंदे, मतलब यार कोई छोटे लीग वाले जैसे कि यार गोल्डन या फिर सिल्वर वाले जो लीग में है, वो डरे कि यार इस बेस में मैं नहीं जाऊँगा यार कि अगर मैं हार सकता हूँ। तो यार ऐसे करो कि यार बड़े लीग वाले जो क्रिस्टल या फिर चैम्पियन लीग वाले जो बंदे होते हैं ना, वो आके अटैक करें कि यार हाँ हमें कर पाएंगे ये सोच के, तो इससे बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होने वाला है। तो यार चलो चलो यार एक बेस में आपको दिखा देता हूँ। यार ये क्रिस्टल लीग में था, आप देख सकते हो मैंने इसे रिवेंज में जाके अटैक किया और इसमें मेरा बहुत सारा फ़ायदा हो गया। आप देख सकते हो मैंने इसे एक स्टार तक करने की बहुत कोशिश की, मतलब फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं, घंटा हुआ है और कुछ फ़ायदा नहीं। यार राज किंग भी कुछ नहीं कर पाया यार, ये मर गया। तो यार आप देख सकते हो फ़ायदा क्या हुआ है, आप देख सकते हो यार +1 उसको हुआ है, -1 मुझे हो रहा है, वो भी बंदा मतलब चौक जाएगा यार सिर्फ एक प्लस हुआ है। तो यही है ट्रिक यार कि यार अगर आप सुपरसेल का एक लॉ है, एक शायद कोई रूल है, सिस्टम है कि यार अगर आप अटैक में जाके मल्टीप्लेयर बैटल में अब अटैक करते हो तो यार वो देखता है कि आप कौन से लीग से हो। जैसे कि मैं अभी गोल्ड 3 में हूँ, तो यार मैं जब अटैक में जाऊँगा तो यार मेरे जो वर्सेस की बंदे होंगे जो मुझे अटैक करेंगे वो इसी लीग का होगा। लेकिन आप देख सकते हो रिवेंज में बहुत सारे लोग हमें अटैक करने आते हैं। तो यार मैंने यहाँ से एक चूज़ करके रखा था, ओके सो यार देख लो इस प्रिंसेस हेवा को, तो ये अभी गोल्ड लीग 2 में है और देख सकते हो गोल्ड लीग 2 में। तो हम इसे अटैक करके दिखा देते हैं कि यार आपके ऊपर लीग वाले को अटैक करने से क्या फ़ायदा होता है। तो चलो यार ढूंढ लेते हैं यहाँ से कभी कहाँ, यार मिल गया यार। चलो यार इसे रिवेंज करके देखते हैं कि हमें कितना ट्रॉफीज़ का फ़ायदा है जो हो सकता है। तो चलो अब देख सकते हो यार बहुत ही अच्छा सा है, 44 का ट्रॉफी जो है सिर्फ -10 होता है। और ऐसे में तो यार अटैक में तो यार 29-30 से भी ज़्यादा माइनस हो जाता है। और देख सकते हो यार डार्क फार्मिंग भी बहुत अच्छा है 2000 का, ओके सो इसे मैं बाद में अटैक कर लूँगा। ओके सो यार बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि यार कैसे आप अपनी ट्रॉफी को पुश कर सकते हो, वो भी रिवेंज की यूज़ से। तो यार पहला है कि आपके बेस ऐसे लेआउट बनाओ कि यार कोई बड़े लीग वाले बंदे आपको ऊपर अटैक करें, और उसके बाद यहाँ से आप चेक कर लो कि किसका लीक कितना ज़्यादा है और उसे टाइम आने पर उसे अटैक कर देना। तो यार 2-3 घंटे बाद बाद कोशिश करना अगर सील्ड एक्टिव है तो, ओके सो ऐसे आप बहुत ही ज़्यादा अपनी ट्रॉफीज को जल्दी से पुश कर सकते हो। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और इसे कमेंट कर दो। और अगर चैनल में नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन को दबा दो और घंटी वाले आइकन को बजा दो।